हेलो गाइस, स्वागत है आपका केयर ट्यूटोरियल्स में। सो यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ एक नया ट्यूटोरियल जिसमें हम मॉडल टेक्सचर और लाइट करेंगे एक 3D एग्जीबिशन स्टॉल को। सो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं रेंडरिंग में जाता हूँ, व्यू इमेज फाइल करता हूँ और मैं एक रेफरेंस ओपन अप कर लेता हूँ। सो एक रेफरेंस मैंने यहाँ पर एक एग्जीबिशन स्टॉल को ओपन अप कर लिया है। एग्जीबिशन स्टॉल हमने काफी टाइम से नहीं मॉडल किया था, तो वही हम आज इस टाइम मॉडल अप करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो करेंगे वो होगा, सबसे पहले एक मैं प्लेन ले लेता हूं। अब इसके बाद टॉप व्यू में जाता हूं, तो ये एरिया हम इसका फ्रंट का एरिया कंसीडर कर लेते हैं इतना। यहां पर जाता हूं, AEC एक्सटेंडेड में जाकर एक वॉल ले लेता हूं और इसकी जो वॉल है इसको मैं इस तरह से क्रिएट अप कर लेता हूँ। सो जैसे आपने इसकी वॉल क्रिएट अप कर ली, मैं इसकी हाइट थोड़ी सी इंक्रीज कर लेता हूँ यहाँ पर जाकर इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर जाकर अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा इसकी लेंथ विथ में थोड़ा सा वर्किंग करना है तो वो कर सकता हूँ और थोड़ी सी वॉल को और थोड़ा सा आगे शफल अप कर लेता हूँ इस तरह से। इसके बाद टॉप व्यू में जाता हूँ। सो टॉप व्यू में जाकर शेप्स में जाता हूँ, एक लाइन लेता हूँ और एक लाइन टूल से मैं इस तरह से एक शेप क्रिएट अप कर लेता हूँ। इसे ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ और रेंडरिंग में जाके एनेबल इन व्यू पोर्ट करके इसको रेक्टेंगुलर कर लेता हूँ इस तरह से। थोड़ा सा इंक्रीज करना था, आप थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो और इसे स्लाइटली हल्का सा अंदर इसे पुश करेंगे और इसको मैं टोटली यहाँ पर पुश कर लेता हूँ। इसके बाद जैसे आपने ये यहाँ पर क्रिएट अप कर लिया, अब मैं इसके वर्टाइसेस सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर जाकर थोड़ा सा फिलेट दे देता हूँ इस तरह से। तो आपको इसको जितना फिलेट देना है आप उतना फिलेट दे सकते हो इस तरह से। सो फिलेट देने के बाद फिर टॉप व्यू में जाता हूँ, एक और लाइन टूल लेता हूँ और सेम मैं एनेबलिंग व्यू पोर्ट ऑफ कर लेता हूँ सेम तरीके से, बट यहाँ तक कि मैं इसको एक्सटेंड अप करूँगा, इसे मैं ऊपर पुश कर लेता हूँ। यहाँ पर जाकर एनेबलिंग व्यू पोर्ट करता हूँ और इसकी जो लेंथ और विड्थ है इसके ऊपर थोड़ा काम करना रहेगा। तो ये विड्थ कम कर लेता हूँ और इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी इंक्रीज कर लेता हूँ ऐसा। तो थोड़ा सा डेफिनेटली ये जो रहेगा ये हमारा ऊपर रहेगा ये पार्ट, स्लाइटली इसका लेंथ और ऊपर कर सकते हैं हम इधर। सो यहाँ पर थोड़ी सी अगर आपको लगता है कि मुझे इसकी हल्की सी विथ इंक्रीज करनी है तो थोड़ी सी आप विथ इंक्रीज कर लीजिए और सेम यहाँ पर जाकर टॉप व्यू में जाता हूँ और इसके वर्टाइसेस सेलेक्ट करके स्लाइटली इसे फिलेट कर लेता हूँ। इसके बाद हल्का सा ऊपर शफल कर लेता हूँ, स्लाइटली वर्टाइसेस अंदर लेता हूँ और इसे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ
फिर से एजेस सेलेक्ट करता हूँ इसकी, और यहाँ पर मैं दो कनेक्ट कर लेता हूँ, और स्लाइटली इसे मैं यहाँ पर शफल करके इसके पॉलीगन सेलेक्ट करके इसे मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ। तो फिर से इसकी एजेस सेलेक्ट करते हैं, फिर कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पर इसे पुश कर लेता हूँ, पॉलीगन सेलेक्ट करके एक्सट्रूड करता हूँ, तो फिर से इसके पॉलीगन सेलेक्ट करके इसे एक्सट्रूड कर लेता हूँ, इसके बाद यहां पर जाकर सबसे पहली चीज जो करेंगे, अगर आपको इस तरह से ये क्रिएट अप करना है तो ये इजीली आप क्रिएट अप कर सकते हो। सो दो तरीके इसके, तो सबसे पहली चीज जो है वो है यहां पर साइड व्यू में जा सकते हो। तो इसे मैं यहाँ से राइट व्यू कर लेता हूँ, तो ये ज़्यादा मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा करने में। और यहाँ से एक बॉक्स ले लेता हूँ, फिलहाल के लिए मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ इस तरह से, और इसे मैं स्लाइटली इस तरह से रोटेट अप कर लेता हूँ। यहाँ पर जाकर इसकी जो हाइट है वो आप थोड़ी सी इंक्रीज कर सकते हो अगर आपको लगता है तो यहाँ पर, और इस तरह से इसको ऊपर पुश कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जाकर इसे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करता हूँ, वर्टाइसिस में जाता हूँ और इस तरह से स्ट्रेट कर, ये काफी ज्यादा बेहतर लग रहा है। अब यहाँ पर स्विफ्ट लूप में जाता हूँ और एक स्विफ्ट लूप जो है वो मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। तो इसे मैं स्लाइटली इस तरह से शो कर, पॉलीगन्स में जाओ और इसको यहां से एक्सट्रूड करो, इसको सीधा करो, यहां से आर प्रेस करके इसको स्केल करो, इसको यहां पर रखो, और वर्टाइसेस में जाकर ऊपर से इसे स्ट्रेट करो इस तरह से, आप इसको एडिट कर सकते। अब यहां पर जाता हूं, सबसे पहले इसे मैं एक बार सेव कर लेता हूं। सो मैं एक फोल्डर बना लेता हूं, इसकी एजेस सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे मैं चैम्फर दे देता हूँ और इसे ओके। आपको जहां पे भी इसको जिस तरह से वर्कआउट करवाना है आप उस तरह से इसको वर्कआउट करवा सकते। अब यहां पर फिर पॉलीगन सेलेक्ट कर लेता हूँ,
और फिर इसे एक्सट्रूड करता हूँ इसे इस तरह से, फिर स्केल करेंगे। और थोड़ा सा स्लाइटली अगर लगता है तो आप इसको ऊपर शफल कर लीजिए इस तरह से और इसे स्केल कर लेता हूँ। सो डेफिनेटली थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा। और इसे ऊपर कर, और ये जो पार्ट रहेगा ये हल्का सा नीचे जाएगा। सो वर्टाइसिस में जाता हूँ और स्लाइटली थोड़ा सा ही आगे पुश करता हूँ और इसके पॉलीगन्स जो है, अब मैं यहाँ पर जाकर एक और स्विफ्ट लूप ऐड कर लेता हूँ और इसको मैं स्ट्रेट कर लेता हूँ। पॉलीगन्स में जाता हूँ और इसको मैं स्लाइटली इस तरह से एक्सट्रूड कर। सो फिर इसकी एजेस सेलेक्ट करो ये वाली, और इसे मैं स्लाइट, अगर आपको लगे कि मुझे चैम्फर देना तो आप इसे चैम्फर दे सकते। सो गाइस अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए यहाँ पर। सो हमने इस तरह से ये एक एग्जीबिशन स्टॉल जो है वो स्टार्टअप किया है। सो कोई डाउट्स हो प्लीज कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। इसका अगला पार्ट हम अगले ट्यूटोरियल में कवर अप करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।